हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अमन और फैक्ट ऑफ द डे में आपका स्वागत है। गाइस, चीन से ही फैला ये भयानक वायरस चीन से ही विदा लेने लगा है। चीन ने कई कोशिशों के बाद इस पर काफी हद तक काबू पा लिया है। चीन से आने वाले आंकड़े तो यही बयां कर रहे हैं। वुहान देश, जहां इसके सबसे ज्यादा केस सामने आ रहे थे, वहां पर पिछले हफ्ते कोविड-19 संक्रमण का केवल एक ही मामला सामने आया है। मतलब साफ है कि चीन ने इस घातक बीमारी पर काफी हद तक काबू पा लिया है। चीन शुरुआत में इस वायरस के असर का सही आंकलन नहीं कर पाया। इस वायरस का दायरा बढ़ने के साथ साथ चीन न सिर्फ इसकी भयंकरता को समझा बल्कि इसे काबू करने में जुट गया। इस भयानक महामारी को काबू में करने के लिए चीन ने हर स्तर पर काम करना शुरू कर दिया। आइए जानते हैं चीन ने ऐसा क्या किया जो दूसरे देश नहीं कर पा रहे हैं। चीन को वुहान में फैल रहे कोरोना वायरस की भयंकरता का जैसे ही अंदाजा लगा, उसने वुहान देश को पूरे देशों से अलग कर दिया। वुहान से बाहर आने पर और वुहान शहर में जाने पर पूरी तरह पाबंदी लगा दी गई और इसके साथ ही लोगों को घर से बाहर निकलने पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया गया और इसके बाद संक्रमण को रोकने के लिए हर जगह सैनिटाइज का छिड़काव किया गया। लेकिन 147 करोड़ जनसंख्या को बचाने के लिए ये काफी नहीं था, ये सिर्फ एक छोटी सी शुरुआत थी। इसके बाद चीन की कम्युनिटी सरकार ने और प्रभावित क्षेत्रों के प्रशासन ने कोरोना वायरस को लेकर ऑनलाइन या ऑफलाइन चर्चा करने पर पाबंदी लगा दी और अफवाह फैलाने वाले लोगों के खिलाफ प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की और ऐसे दर्जनों लोगों को हिरासत में लिया गया। और इसके साथ हेल्थ कोड नाम के सिस्टम को तैयार किया गया। इसमें लाल, हरे और पीले तीन कलर के कोड का यूज किया गया और फिर सभी लोगों को उनकी यात्रा रिकॉर्ड के मुताबिक इन रंगों के कोड दिए गए ताकि पता चल सके कौन संक्रमित है, कौन कितना ज्यादा संक्रमित है और फिर इस आधार पर इलाज किया गया। फिर चीन की कई कंपनी ने चेहरा पहचानने का सिस्टम शुरू किया। इस सिस्टम की मदद से पब्लिक प्लेस पर मास्क नहीं पहनने वालों की पहचान की गई। सोशल मीडिया की मदद से इन्फेक्शन के बचाव उपायों का इस्तेमाल नहीं करने वालों की पहचान की गई और बचाव के उपाय अपनाने के लिए प्रोत्साहित भी किया गया और कई क्षेत्रों में तो इन्फेक्टेड लोगों की पहचान बताने के लिए इनाम भी दिया गया। प्रशासन ने हर खाली और अच्छी जगह पर अस्थायी अस्पताल बनाने शुरू कर दिए। इसी दौरान जिम और स्टेडियम, होटल जैसी जगह को हॉस्पिटल में तब्दील कर दिया गया और स्कूल, कॉलेज, मॉल, सिनेमा हॉल्स जैसे सभी भीड़ वाले इलाके में जाने पर रोक लगा दी। कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए चीन ने 549 नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे के साथ ही कंट्री और टाउनशिप सड़कों को पूरी तरह बंद कर दिया। ये बहुत ही चौंकाने वाली बात है कि देश के 12,000 से ज्यादा हाईवे वायरस प्रभावित इलाके से अलग थलग कर दिए गए। इसके साथ 4,000 से ज्यादा सेंटर बनाए गए। इस सेंटर पर वो लोग जांच करा सकते थे जिन्हें कोरोना वायरस संक्रमण का संदेह हो। चीन के करीब 200 से ज्यादा शहरों में पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन बंद कर दिया। इसके अलावा ट्रेन भी बंद कर दी गई। मरीजों की संख्या को ध्यान में रखते हुए रातों रात 1000 बेड की क्षमता वाला हॉस्पिटल तैयार कर दिया गया। हुबेई प्रांत में ही एक दर्जन से ज्यादा अस्थायी कोरोना वायरस हॉस्पिटल बना डाले और जैसे जैसे वायरस पे काबू पाया गया वैसे ही ये अस्पतालों को बंद कर दिया गया। लोगों तक दवाई और खाना पहुँचाने के लिए रोबोट्स का इस्तेमाल किया गया। चीन की सख्ती का फायदा महामारी से निपटने के लिए कारगर साबित हुआ। हालात सुधरने पर भी हर घर के केवल एक ही व्यक्ति को बाहर निकलने की अनुमति दी गई है। शहर के सभी स्कूल और कॉलेज बंद करके ऑनलाइन क्लासेस चलाई जा रही है। आपको खुद जानकर के ये हैरानी होगी कि चीन ने इतनी कोशिश करने के बाद 72,000 लोगों को इस वायरस से ठीक किया है और करोड़ों की आबादी को बचाया है। और चीन ने टेक्नोलॉजी का बहुत ही स्मार्ट तरीके से यूज किया है और पूरे देश में ड्रोन के सहारे से सैनिटाइज का छिड़काव किया जा रहा है। और गाइस, चीन में 72,000 लोगों को बचाने का रामबाण उपाय रहा है खुद को सबसे अलग रखना, घर में रहना, घर से बाहर ना निकलना और साफ सफाई का ध्यान रखना। और अगर आपको कोरोना वायरस बीमारी की दवा चाहिए तो वो दवा यही है, खुद को घर के अंदर रखना। ना बाहर के लोगों को घर में आने दो और ना ही अपने लोगों को बाहर किसी के घर में जाने दो। अब आप खुद ही सोचिए, इटली की इतनी बुरी हालत क्यों है? चीन से ज्यादा मौत इटली में हो चुकी है और ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि उनने स्ट्रिक्टनेस दिखाई ही नहीं।
इटली को अपने देशों को पहले से ही लॉकडाउन कर देना था। वो तो हम बहुत खुशनसीब है कि हमें इतना टाइम भी मिल रहा है सोचने के लिए, अवेयर करने के लिए। तो कुछ इस तरह चीन ने कोरोना वायरस पर काबू पाया। गाइस, अब आप खुद सोच सकते हो कि अगर भारत में इस वायरस की थर्ड स्टेज आ गई तो क्या से क्या हो सकता है। तो प्लीज गवर्नमेंट की गाइडलाइन को फॉलो कीजिए। अब अगर ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा